الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا صدق يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وصل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، وقت کافی بیت چکا ہے، بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا یونس صاحب نے نسبت کے دوران بیان کر دی، اور کچھ باتیں کہ سمندر کو کوزے میں پیروتے ہوئے حضرت مولانا خلیق الرحمن صاحب نے بیان کر دی. اب میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی گفتگو کرنے نہیں بیٹھا. اللہ کا شکر مانے کہ ایک طرف یہ قرآن کی محفل ہے جس میں بچوں نے اپنے جذبے کو
अपनी जुरअत को हमारे सामने पेश किया। जैसे हजरत मौलाना यूनुस साहब ने बताया कि यह हफ्ते भर की मेहनत है, काश अगर इन बच्चों पर महीना मेहनत कर ले होती तो आज जो हमें ये खला नजर आ रही है वो खला नजर नहीं आती। एक एक बच्चे में ये टैलेंट था। ये कोई आसान काम नहीं है कि यहाँ आके बोल देना, पढ़ देना। मेरे दोस्तों, बातें तो लोग कर लेते हैं, असल मामला तो वही है कि जब उस जगह के ऊपर खड़ा शोर न करे। तो मेरे बच्चों, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपका मकाम के लोगों को समझा रहा हूँ। मौलाई व मुर्शिदी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया अक्सर अपने जो जलसे के खिताब होते थे उसमें ये बात नकल करते थे और फरमाते थे कि ये कोई आसान काम नहीं है कि इतने मजमे के सामने आकर माइक के ऊपर बोल देना कि हम एक मर्तबा जमात के अंदर गए, एक बड़ी उम्र के चचा का ऐलान तय हुआ। जब ऐलान तय हुआ तो ऐलान करने के लिए खड़े हुए, अब ऐलान कर रहे हैं कि हम बड़ौदा से हाथी खाना मस्जिद लेकर आए हैं, तमाम हजरात तशरीफ रखे। ये कोई आसान काम थोड़ा है, तो पूरी मस्जिद उठा के ले आए। इसलिए इन बच्चों की कदर करनी चाहिए और हमें इस बात का जज्बा हमारे अंदर लेना चाहिए कि अगर हम इन बच्चों पर तवज्जो दें, उन पर मेहनत करें, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाए तो किस तरीके से ये हमारा भविष्य, ये हमारा फ्यूचर, ये हमारा मुस्तकबिल कहाँ तक पहुँचेगा। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है, उन पर मेहनत की ज़रूरत है। अगर आज इन पर मेहनत नहीं की गई और उनको सिर्फ मकतब की तालीम तक महदूद रखा, कुरान करीम नाज़िरा मुकम्मल करा दिया, हमने ये समझ लिया कि हमने अपने बच्चों का हक अदा कर दिया और उनकी कोई पास पुरुष नहीं की, तो याद रखो कि उनके मुर्तद होने में, उनके ईमान के छीन जाने में कोई आर नहीं आएगी। उनको कुरान की ठोस तालीम दी जाए, उनको कुरान का हाफिज बनाया जाए, कुरान का आलिम बनाया जाए, अच्छा मुफस्सिर बनाया जाए, अच्छा मुहद्दिस बनाया जाए। हमारे अंदर जज्बा हो कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, हम इतने दीनी एतबार से बेफिक्रे हो गए कि अपने बच्चों का सबक कहाँ तक पहुँचा है वो भी हमें नहीं मालूम। हम भी मदरसा पढ़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई क्लासों की निगरानी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। कई वाली ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है कि बच्चा नूरानी कायदे में है या बारे अम्मे पहुँच चुका है। बहुत से वाली ऐसे हैं जो सिर्फ एडमिशन लेते वक्त दिखे हैं, अब तक नजर नहीं आए। तो ऐसी बेफिक्री के साथ काम नहीं चलेगा। जैसे मौलाना ने इशारा फरमाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया, जो कुरान करीम की सूरह बकरा के अंदर 16वीं रुकू के अंदर जिसका जिक्र है, वो हमारे सामने पेश किया कि अपनी औलाद की कैसी फिक्र, औलाद की दीनी दुनियावी हर एतबार से हमें फिक्र होनी चाहिए। दूसरी जगह कला में पाक इरशाद फरमाता है वही जो काल वबनी अन नअबुदल असलाम। काबी
اٹھا کر کہہ رہے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، واجنبنی اور مجھ کو بچا لے، وبنی اور میری اولاد کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، بت پرستی سے. اور مسلمانوں ذرا غور کرو اس دعا کے الفاظ پہ، غور کرو کون دعا کر رہا ہے. اللہ کا خلیل دعا کر رہا ہے، اللہ کا خلیل جو گویا ہے کہ مجھ کو کون خلیل، کہ جس کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا، کون خلیل کہ جو بیت المعمور پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی پشتوں کے اندر نبوت چلی ہے، خود نبی ہے، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہے، حضرت اسحاق نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہے، چار پشتوں میں برابر نبوت چلی ہے. وہ تو یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور آج کا مسلمان بچے کو ناظرہ پڑھا دیا، سمجھ لیا میں نے بچے کا حق ادا کر دیا، میں نے بچی کا حق ادا کر دیا. ایک تو یہ کہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا. اب میں بتاؤں، حالانکہ میں تو یہ مضمون لے کر آیا تھا کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے متعلق کچھ بات کروں گا، لیکن رب کریم کا کچھ مشیت ہی الگ تھی کہ رب کریم نے آپ کی توجہات سے برکات سے قرآن کا ہی عنوان مجھے دے دیا. ہم قرآن صحیح کس کو کہتے ہیں، بات سمجھنا، ہم قرآن صحیح کس کو کہتے ہیں. یہ قرآن بہت صحیح ہے، نہ اس کے اندر حرف کی ادائیگی، نہ تجوید، نہ گنا، نہ مد، کہ اس کا دور دور تک ہمارا واسطہ نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ دعوت کی مبارک محنت ہمیں عطا فرمائی، کہ جس کی وجہ سے اللہ کے راستوں میں نکل کر ہم نے ہماری کچھ صورتیں صحیح کی. آپ اس میں کئی بڑی عمر کے لوگ ہیں، یہ لوگ اشکال کریں گے کہ مولانا آپ صحیح پڑھنے کا تو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں ایسی پڑھائی، بولو بولو ہے کہ نہیں اشکال، یہ تمہارا آپ لوگوں کا یہ اشکال ہے کہ نہیں، یا یہ رونگ، میں غلط ہوں، میں غلط ہوں، یہ اشکال ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ تو بھائی آج کے دن جان لے، آج کے دن جان لیا یہ اشکال ہے کہ مولانا ہمارے ٹائم میں ایسی پڑھائی. تو اب جو لوگ قرآن صحیح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج الحمدللہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ کس کے پاس پڑھے، نہ وہ کس زمانے میں پڑھے. قرآن کی صحت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ رب کریم نے فرمایا انا نحن نزل الذکر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس طریقے سے کلام کے اندر زبر زید کی رد و بدل رہی، اسی طریقے سے اس کی صفات میں رد و بدل رہی، اس کی تجوید میں رد و بدل رہی، اس کے بدگنا کے اندر رد و بدل رہی، اس کے الفاظ میں رد و بدل رہی، اس کی اصوات میں، اس کی آواز میں رد و بدل رہی. یہ رب کریم نے قرآن کریم کو ہر طرح سے محفوظ کر دیا، لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. ہم تو قرآن کو سننا بھی بوجھ سمجھتے ہیں، اسی لیے تو تراویح میں
उन हाथी साहब को पसंद करेंगे इधर धड़ाधड़ धड़ाधड़ बगैर ब्रेक किए हुए जा रहा हो। तो नहीं यार, इनके पीछे मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर कुरान करीम को हदारत उसके हुकूक अदा करते हुए पढ़ा जाए और जो आजकल हमारे उपवास पढ़ रहे हैं इन दोनों को अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का फर्क आएगा। कितने मिनट? अब रमजान का मुबारक महीना हो, एक हर्फ के ऊपर जब सुनते हैं तो आम मतलब एक नेकी है और रमजान में कितने नेकी बढ़ जाती है? 70-70 नेकी हो जाती है। और एक मिनट हम कुर्बानी दे तो गोया हमने 70 मिनट कुर्बानी दी। तो अगर हम 15 मिनट कुर्बानी दे दें और कुरान को अच्छा सुने, कुरान को बेहतर सुने, तो फिर हमारे लिए वो कुरान नजात भी बनेगा, वो कुरान हमारे लिए जखीरा भी बनेगा, वो कुरान हमारे लिए सिफारिशी भी बनेगा। वरना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बा कारी यकराउल कुरान वल कुरान यलअनु। बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे होंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान उन पर लानत करेगा। उसकी एक शक्ल तो ये भी है कि उसको उसके हुकूक की अदायगी के बगैर पढ़ा जाए, उसकी हुकूक की अदायगी के बगैर सुना जाए। और दूसरा मतलब उसका ये है कि कुरान करीम के जो अवामिर है, कुरान के जो अहकाम है, उन अहकाम को पढ़ा तो जाए लेकिन उसको अमल में लाया न जाए। क्योंकि हम तकरीर के मैदान के बादशाह हैं, बोलने के मैदान के बादशाह हैं, लेकिन अमल में हम लंगड़े हैं, लूले हैं, कमजोर हैं। कुरान में पढ़ता है ला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। सुनो खबरदार, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की फिटकार हो जालिमीन पर। लेकिन किसी का हक खाकर जुल्म कर रहा है, किसी कमजोर को दबा रहा है, अपनी ताकत के बलबूते पर किसी की जमीन को गसब कर रहा है, अपने ओहदे के बलबूते पर किसी को बगैर मुकदमे के बगैर कसूर के जेलों के अंदर करवा रहा है, किसी का नाहक रुपया खाया जा रहा है, किसी के हक को सलब कर रहा है, खुद जालिम बन रहा है। और कुरान भी पढ़ता है और कुरान के लअनतुल्लाहिज़्ज़ालिमीन, कुरान में पढ़ता है अलालअनतुल्लाहिअलकादिबीन। सुनो, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की फिटकार हो झूठे लोगों पर। कुरान में पढ़ रहा है कि झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत, लेकिन ये झूठ बोल के अपना कारोबार चला रहा है, ये झूठ बोल कर किसी को बदनाम कर रहा है, किसी के हक में गलत गवाही दे रहा है, सारी चीजें इसमें दाखिल है। अब इस पर एक और बात याद आ गई कि रमजान के अंदर एक तो रोजा होता है, इस रोजे को हम खराब कर देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा यह है कि अस्सौमु जुन्ना, ये रोजा ढाल है, जब तक कि उसको फारा न जाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजा फाड़ देने का क्या मतलब है? फरमाया, अल गीबा, गीबत करना। अब टाइम पास करने के लिए दो
आदमी जमा हुए, अब किसी ने किसी और की शुरू कर दी, अब उसी के अंदर एक डेढ़ घंटा लगा दिया। हमने टाइम पास कीमत को बनाया है। रोजों को मेरे दोस्तों ये कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है रोजा। याद रखे, रोजा इस्लाम के अरकान में से है, और अगर हम उसको अपनी काही, अपनी सुस्ती, अपने काम काज की वजह से छोड़ दें और ये सोचे कि हम तो काम कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा है, इस वजह से हम रोजे नहीं रखते हैं, ये मेरे दोस्तों ये हमारा उजर हमारे घर में चल सकता है, हमारे मस्जिद के इमाम के पास चल सकता है, हमारे मोहल्ले वालों के सामने चल सकता है, लेकिन कल कयामत का दिन होगा, तपती हुई जमीन होगी, न कोई किसी का पुरसान हाल होगा। यौमा यफिरुल मरू मिन अखीह वा उम्मीही वा अबीह वा साहिबतीही वा बनीह। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, इन्न ज़लज़लतस सा'ति शय्उन अज़ीम यौमा तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ। अब मुझे कयामत यह बयान नहीं करनी, सिर्फ और उस दिन की दहशत इन दो आयतों के अंदर और उसके अलावा कुरान करीम के कई मौके पर उसके दहशत को बयान किया गया है। ऐसे दिन में वे बहाने नहीं चलेंगे, भाई मरना है कि नहीं मरना है, अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना है, भाई अब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करें। कुरान तो साफ साफ कह रहा है, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, और मेरे लाडले नबी की उम्मत तुम ये न समझो कि सिर्फ रोजे तुमको दिए गए हैं, लेकिन रोजे तुमसे पहले वालों को भी दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत आ जाए। तो कुरान करीम का हुक्म है और कुरान का हक ये है कि उसके अहकाम पे अमल किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई अल्लाह के नबी पर तो हमको भरोसा है कि नहीं? जुबान से तो मैं भी कह रहा हूँ, गर्दन तो मैं भी हिला रहा हूँ, लेकिन मेरा अमल बताएगा कि मुझे मेरे नबी से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी फरमाते, हर अमल का बदला अल्लाह फरिश्तों के जरिए दिलवाएगा, लेकिन रोजे का बदला अल्लाह खुद देगा, रोजे का बदला अल्लाह खुद देगा। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम को ध्यान के साथ पढ़ा जाए, समझा जाए, और ये नहीं है कि हम बड़े हो गए, हमारी उम्र हो गई, अब हम कुरान को कैसे सीखें। सीखने वाला आजकल अपने 10 साल के पोते को भी अपना उस्ताद बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता ना भाई, बनाता है कि नहीं बनाता। ये मोबाइल आया, मोबाइल आजकल आया, देखा बच्चा उसमें होशियार है, अच्छा खासा उसमें महारत रखता है, तब ये दादा कहेगा, बेटा इसको तो रखो इनके बाद। सीखता है कि नहीं सीखता है? सीखना, सीखने की कोई उम्र होती है?
आदमी हर काम सीखता है या नहीं सीखता है, सीखता है तो फिर क्या वजह है कि हम कुरान करीम को सीखने में शर्म महसूस करें। अपने इमाम साहब को कहे इमाम साहब हमारे लिए कोई ऐसा वक्त तजवीज करे, हम रोजाना आपके पास आधा घंटा एक घंटा आएंगे, आप हमें दीन की जरूरी मालूमात भी बता दे और हमारा कुरान भी सही करवा दे, आपका जो फीस होगा हम देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ रहा है वक्त भी ज्यादा हो रहा है, अब कुछ बातें एक कार गुजारी आपको सुनाकर। जिस वक्त मैं बड़ौदा के अंदर था हजरत वाला के मातहत में, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मातहत में उनकी तरबियत में था, तो उसी के अंदर हमने एक तरबियती क्लास करके शुरू किया। अब उसमें हमने ये तरतीब बनाई कि 18 साल से अब के जो है, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, नाना भी आते थे, दादा भी आते थे, इंजीनियर भी आते थे, डॉक्टर भी आते थे। हमने 7 हाफिज़े कुरान रखे थे, वो 7 हाफिज़े कुरान किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 5 इस तरीके से बिठा देते थे, वो आधा पौना घंटा उन लोगों को कुरान सिखाते थे और आधा घंटा हम लोग उनकी जरूरत की तालीम, जो दीन के पाए हैं, जो दीन की जरूरत है वो उन तक पहुंचाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो लोग याद कर रहे हैं, उस क्लास को याद कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों हम शर्म महसूस न करें, कुरान को सीखे। ये तो वो किताब है कि जिसको कोई हाथ में ले और इसका अदब व एहतराम करे अल्लाह ताला उसको बुलंद मुकाम पे पहुंचाए। इसी को मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहादल किताब अक़वाम, बेशक ये वो किताब है कि जिसको पढ़कर, जिसको समझकर, उस पर अमल करके जो अमल करता है, जो समझता है, जो पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, दुनिया में भी इज्जत दिलाएगा, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगा। लेकिन अगर बसूरत दीगर अगर हमने उसकी कोई कथा न ली, हमने उसको न जाना, उसके हक को न पहचाना, उसकी कोई तिलावत नहीं की, रमजान आया खोल लिया, 27वीं शब को वापस उसको पैक करके रख दिया और पूरे साल तक उसको पूछा नहीं, वायदाओं भी ही आखरीन के बहुत से लोगों को पस्त कर देता है, उनको डिवेल्यू कर देता है, उनकी इज्जत खाक में मिल जाती है। कि कुरान की बेहरमती, रब के कलाम की बेहरमती, कलामुल्लाह रब का कलाम घर के अंदर है लेकिन उसके लिए कोई वक्त हमारे पास नहीं है, तो फिर मेरे दोस्तों यही कुरान हमारे लिए झगड़ालू बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि कुरान करीम के साथ दिलचस्पी रखें, रमज़ान में भी, केदे रमज़ान में भी, और आने वाले इस माह मुबारक को बड़ी खुशियों के साथ, उसके एक एक पल को अल्लाह की रजा हासिल करने में इस्तेमाल करें, कि एक पल भी ऐसा ना हो कि जिसके अंदर हम से बाहर चले जाए। कुरान करीम की तिलावत हो, दुआओं का एहतमाम हो, नवाफिल का एहतमाम हो, कुरान के साथ वालिदाना ताल्लुक हो, उसको पढ़ते रहे। अब जैसा रमजान गुजरेगा ऐसा मेरे दोस्तों हमारा पूरा साल गुजरेगा। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला होने वाले इस जलसे को कबूल फरमाए और इसके पीछे जिसने जिस एतबार से ताऊ
کیا جانی مالی مشورہ دے کر کچھ بھی تعاون حاصل کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بیٹھے ہوئے مجمعے کو چاہے مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو دین دگنی رات چگنی دنیا آخرت دونوں میں ترقی عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین